हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ सुक्खू सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। विधानसभा में नशे के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़े शब्दों में कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो तस्कर पकड़े जाएंगे उनकी संपत्ति तक सरकार जब्त करेगी। नशे को लेकर पुलिस व आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर एरिया में लंबे वक्त से डटे पुलिस अधिकारियों और आबकारी एवं कराधान के अफसरों के तबादले किए जाएंगे, क्योंकि ये अफसर सिर्फ एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में अपने तबादले करवाते हैं। इसको लेकर सरकार संज्ञान लेगी ताकि नशे के खिलाफ मुहिम को तेज किया जा सके। देश में जो नशे के सौदागर है, जो नशा बेचते हैं और जो नशे के कारोबार में लगे हैं, इस संदर्भ में हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। इस बारे में विभाग ने हमें कुछ प्रस्तुति भी दी है। जल्दी ही हम इस मामले में एक सख्त कानून लाने जा रहे हैं। जो संपत्ति नशा बेचकर बनाई गई होगी उसके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि हम अपने युवा साथियों को नशे के अंधेरे में धकेल नहीं सकते और जो नशे बेचने वाले हैं उनके लिए और सख्त कार्रवाई के लिए हम ये कानून लाने जा रहे हैं। सर, इसमें कुछ अधिकारी जो आपने हाउस पे लंबे समय से बॉर्डर एरिया में है, चाहे वो एक्साइज टैक्सेशन हो, देखिए जो पुलिस के कुछ अधिकारी जो लंबे समय से बॉर्डर एरिया में हैं या एक्साइज वाले अधिकारी कुछ बॉर्डर एरिया में हैं, वो रोटेट किए जाएंगे ताकि कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि वो एक जगह जमे और जिसके कारण वहाँ किसी कारण से कोई भ्रष्टाचार फैल रहा हो। नशे के मामले में गृह मंत्री से बात हुई थी और उन्होंने बोला कि हम इसमें आपका पूरा सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी उनके निवास पर मिले। मुलाकात के दौरान दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यतः तीन मुद्दों पर पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, जिसमें वाटर सेस को लेकर उन्हें पूरी स्थिति समझाई गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई है। तीन मुद्दों पर पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई है। एक वाटर सेस के मुद्दे को लेकर बात हुई है। उन्हें मैंने बताया कि ये किसी पानी पर नहीं लग रहा है, ये जनरेशन पर लग रहा है। इससे पंजाब का कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल में नहीं है, लेकिन बीबीएमबी का जो प्रोजेक्ट है उसमें उनकी हिस्सेदारी है। इस दृष्टिकोण से हमने बात की है। दूसरा, हमने शानन का 2024 में वो उसकी लीज पूरी हो रही है, उस संदर्भ में बात की है। तीसरा, हमने टूरिज्म से रिलेटेड बात की है। तीनों मुद्दों पर हमारी बड़ी अच्छी चर्चा हुई और पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम जो भी संवाद के द्वारा सभी समस्याओं का हल निकालेंगे और हमारी चीफ सेक्रेटरी की एक टीम उनके पास जाएगी और उस संदर्भ में उनकी टीम भी जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर है उसके पास जाएगी और जो समस्याएं हैं या जो मसले हैं उनको संवाद के द्वारा हल किया जाएगा। कोई नहीं, वो उनके से हम हालचाल पूछने उनके जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उनको कल चोट लगी है, अभी वो हॉस्पिटल में है और जल्दी भगवान से उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। न्यूज डेस्क, एनवर लाइव।